हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पे नो इंटरनेट कनेक्शन एरर को कैसे फिक्स करें। कभी कभी हमारा मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड होता है पर प्ले स्टोर में या फिर यूट्यूब में या फिर और भी गूगल्स के अदर एप्लीकेशन में नो इंटरनेट कनेक्शन का एरर आता है, तो आज की इस वीडियो में मैं उसे कैसे फिक्स करें यही बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं मेरा फोन इंटरनेट से कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है। लेकिन अगर मैं गूगल सर्च करता हूँ तो यहाँ पे इंटरनेट काम कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम रूट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप अपने रूट डायरेक्टरी पे जाएंगे और इसमें ETC फोल्डर ओपन करेंगे। और आपको एक होस्ट्स नाम से एक फाइल मिलेगा, जिस पे आपको लॉन्ग प्रेस करके और ओपन इन टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको रूट परमिशन देना होगा, मीन्स आपका फोन रूट होना जरूरी है। अब आप इस पेज को इस तरह से एडिट कर लेंगे, आपको बस एक हैश का साइन लगाना है यहाँ पे। अब यहां से सेव एंड एग्जिट पे क्लिक कर देंगे। एक बार आप उस फाइल को ओपन करके चेक कर लेंगे कि आपका प्रॉपरली एडिट हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये कंप्लीटली डन हो गया। अब आप फिर से प्ले स्टोर ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, अब कोई एरर नहीं आ रही है यहाँ पे। तो इस तरह से आप अपने प्ले स्टोर की नो इंटरनेट कनेक्शन एरर को फिक्स कर सकते हैं आसानी से। और अगर एक प्रॉब्लम आपकी कोई भी गूगल एप्लीकेशन के साथ आ रही है, यूट्यूब के साथ, जीमेल के साथ, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम इसी ट्रिक से फिक्स हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज मैं लेकर के आता हूँ आपके लिए हर वीक में ऐसा ही एक वीडियो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।